दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप सी की वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसके फॉर्म भरे जाएंगे 3 अगस्त 2024 से लेके 1 सितंबर 2024 के बीच। तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी आपके लिए क्या क्या लेके आई है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रंट पेज पे आपको सारी की सारी वैकेंसीज दी गई है जोन वाइज। जैसे कि मैं बात करूं, ठीक है, वेस्टर्न एयर कमांड की जो वैकेंसी है दोस्तों टोटल दी गई है 30 वैकेंसी दी गई है, जिसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि जनरल हो गया, अनरिजर्व कैटेगरी में आपका, और उसका रिजर्व कैटेगरी में एसटी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी हो गया, सारी की सारी वैकेंसी आपको दी गई हैं, लेकिन टोटल वैकेंसी यहां पे 30 दी गई हैं। हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पे सारी की सारी वैकेंसीज करके आपको दी गई हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहां पे आगे कंटिन्यू करते हैं, 39 वैकेंसीज आपको हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड में दी गई हैं। उसके बाद दोस्तों मेंटेनेंस कमांड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मेंटेनेंस कमांड में दोस्तों आपको सारी की सारी वैकेंसीज 43 दी गई हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ठीक है, सेंट्रल कमांड की, तो 8 वैकेंसीज दी गई हैं। देखने के लिए दोस्तों थोड़ी थोड़ी सी वैकेंसी है, लेकिन ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, यानी पूरे इंडिया लेवल पे अच्छी खासी वैकेंसी का अनाउंसमेंट यहां पे किया गया है, आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए कितनी सारी वैकेंसीज है दोस्तों, आप देख सकते हो यहां पे आपको टोटल वैकेंसी 21 हो गई। ठीक है, बात करें एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस की बात करें तो 8 वैकेंसी दी गई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों रेस कोर्स न्यू दिल्ली, इसमें 8 है दोस्तों, और अकाउंट्स में आपका 24 दिया हुआ है। तो इस तरीके की सारी वैकेंसीज आपके सामने दी गई है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी काफी सारे यहाँ पे एलिजिबिलिटीज हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 18 साल से लेके 25 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल है या फिर उससे ज्यादा है और 25 साल से कम है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आगे देखते हैं दोस्तों, तो एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है सरकारी डिपार्टमेंट में एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है, तो यहां पर आपको एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। जैसे कि 3 साल का मिलेगा ओबीसी के लिए, 5 साल का मिलेगा एसटी एससी के लिए, और 10 साल का मिलेगा दोस्तों अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और उसके बावजूद एसटी एससी हैं, कुछ इस तरीके से है। तो ये सारी की सारी आप लोगों को दे रखा है दोस्तों। ठीक है, अब देखें जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज हैं, यानी कि जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों 40 साल दे रखा अनरिजर्व के लिए, 43 दे रखा ओबीसी के लिए, और 45 साल दे रखा दोस्तों एसटी एससी के लिए। इस सारे के सारे जो आपको दे रखे हैं एज लिमिट दोस्तों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं आप लोग लोअर डिविजन क्लर्क जो एलडीसी या हिंदी टाइप की बात करें, पे लेवल लेवल 2 का होगा दोस्तों, पर पे मैट्रिक 7th पे कमीशन के हिसाब से। यानी कि आमतौर पर बात करूं तो आपको यहां 30 से 35 हजार की सैलरी फिक्स रखी गई है दोस्तों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर बोर्ड से। स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर, ठीक है, आपका यहाँ पे एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश टाइपिस्ट में, जिसमें दोस्तों जो अगर आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा उसमें 35 वर्ड पर लिमिट मांगे जाएगा, उसके बाद हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड पर लिमिट पर मिनट मांगा जाएगा दोस्तों। चलिए आगे और भी चीजें देखते हैं, आपके काम की चीजें हैं। देखिए जो पोस्ट है दोस्तों सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, इन सबकी जो पोस्ट है वो लेवल 2 का ही आपको सैलरी पैकेज मिलेगा, यानी कि यहाँ पर भी आपको 30 से 35 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसमें मांगा गया है दोस्तों मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहां पे दोस्तों कंप्यूटर की बात नहीं की गई है, क्योंकि यहां पे दोस्तों आपका अगर ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, हैवी और लाइट व्हीकल दोनों का। क्लियर दोस्तों यहां पे? चलिए आगे देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन होगा दोस्तों यहां पे 2 तरीके से, आपका 2 फेसेस से गुजरना होगा। पहला तो दोस्तों आपका रिटन टेस्ट होगा, पहला आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में दोस्तों 100% वेटेज होगा, यानी कि रिटन टेस्ट को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आप रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद दोस्तों आता है आपका स्किल और प्रैक्टिकल फिजिकल टेस्ट। ठीक है, यानी कि जो भी आपका स्किल टेस्ट में, अगर आप एलडीसी के लिए बात करें लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, तो आपको हिंदी और इंग्लिश के टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप ड्राइवर के लिए बात कर रहे हो तो यहां पे आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा दोस्तों, जो आपका ट्रेड टेस्ट कहलाता है। क्लियर दोस्तों यहां पे? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी सारी चीजें हैं। लास्ट डेट के बारे में आपसे बता चुका हूं दोस्तों, लास्ट डेट आपका 1 सितंबर 2024 तक लास्ट डेट है, और 3 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको ऑफलाइन भेजना पड़ेगा फॉर्म, इसमें ऑनलाइन का कोई भी क्राइटेरिया आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जो एड्रेस डालोगे ना आप लोग दोस्तों, तो ये रहे, जिस जोन से डालोगे ना उस जोन का पूरा एड्रेस यहां पे दिया हुआ है, तो आप इस एड्रेस पे अपना फॉर्म फिलअप करके भेज सकते हो दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ड्यूली टाइप इन हिंदी इंग्लिश, एप्लीकेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। क्लियर पॉइंट, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह आप लोग चिपकाओगे, सारी के सारे इंस्ट्रक्शन आपको दे रखा है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उन डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको सारा का सारा फॉर्म फिलअप करना है दोस्तों। यहाँ पे सेंटर फॉर द एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल फिजिकल टेस्ट विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट ड्यू
इन ड्यू कोर्स जो भी आपको सेंटर दिया जाएगा एग्जाम वगैरह के लिए वो आपको बता दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। द सेंटर विल बी डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू विच द एप्लीकेशन वॉज सेंड, आप जहां से फॉर्म भर के भेज रहे हो उससे अलग आपको सेंटर दिया जाएगा, यानी कि होम सेंटर का यहाँ पे कोई भी प्रोविजन आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो आपको दिया हुआ है, कुछ फॉर्मेट इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, ब्लॉक लेटर्स में आपको लिखना है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखा है, पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है, पूरा पूरा फॉर्म आपको भरना है, उसके बाद दोस्तों ये फॉर्म ऑफलाइन आपको भेज देना है। और कहां पे भेजना है, ये जितने भी सारे आपके पास एड्रेस हैं यहां पे आप देख सकते हो सारे के सारे एड्रेस, अगर आप लोग वेस्टर्न कमांड से भरना चाहते हो, ठीक है, तो सारे के सारे एड्रेस हैं दोस्तों यहां पे, इतने सारे एड्रेस तो आप यहां पे भर के भेज सकते हैं दोस्तों। एयरफोर्स की वैकेंसी है, डेफिनेटली काफी अच्छी वैकेंसी है, और लोअर डिविजन क्लर्क के लिए है दोस्तों, आप देख सकते हो, और ड्राइवर के लिए भी है यहां पे, टाइपिस्ट के लिए भी यहां पे, लेकिन मैं प्रेफरेंस यहां पे लोअर डिविजन क्लर्क के लिए दे रहा हूं। अगर आप ड्राइविंग के लिए करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके के और भी वैकेंसीज दोस्तों आती रहती हैं, आते ही रहेंगी, और हर एक तरीके के वैकेंसी हम लेके आते रहेंगे आपके लिए। इसके लिए दोस्तों आपको जुड़े रहना होगा सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, तो जाइए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए पूरी की पूरी वीडियो जो कि एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते हैं, और हां बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हम लोग दें आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आप टाइम पे फॉर्म फिलअप कर पाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, जय हिंद।